नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वक्त हमें ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, जो ग्रेटर नोएडा का परिचौक है, उसे चंद कदमों की दूरी पे है। और यहां पे आज विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प कहा जाने वाला दिल्ली फेयर ऑटम 2022 का आगाज़ हुआ है। केंद्रीय कपड़ा सचिव यूपी सिंह, उन्होंने इस फेयर का उद्घाटन किया है। इसमें मैं बता दूं आपको कि पूरे देश भर से लगभग 3000 आर्टिजन और प्रदर्शक एक्सपोर्टर्स अपने उत्पादों के साथ आए हैं, जिसमें फैशन भी है, फर्नीचर भी है, और भी जो हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी उम्मीद लगा रखी है फॉरेन बायर्स के। उम्मीद की जा रही है कि 6 से 7 हज़ार फॉरेन बायर्स आएंगे और एक भारी भरकम ऑर्डर उनको देंगे। पहले सुनते हैं केंद्रीय कपड़ा सचिव यूपी सिंह ने कि गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर्स को, आर्टिजन को किस तरह से सहायता कर रही है इस फेयर में। तो सुनते हैं केंद्रीय कपड़ा सचिव यूपी सिंह को। सर, आज एक्सपो मार्ट में जो है आगाज़ हुआ है हैंडीक्राफ्ट मेले का और एक्सपोर्टर्स को बहुत उम्मीद है, तो गवर्नमेंट इन लोगों पे क्या आप और सहायता कर रहे हैं कि ये एक्सपो जो है और चार चांद लगाए? देखिए, ऐसा है कि हमने तो, चूँकि हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी विरासत भी है और करोड़ों लोगों की जीविका का साधन भी है, इसलिए भारत सरकार ने दो अलग अलग ऑफिस भी बना रखे हैं। एक कहलाता है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडलूम, जो हैंडलूम के प्रचार प्रसार बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, और दूसरा हमारा है डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट कमिश्नर है, तो उनके अंदर हम अलग अलग स्कीम्स हमारी हैं, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर हम सारी चीज़ें करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेटर हो, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर हो, जो आर्टिजन्स रह सकें, उनको हम ट्रेनिंग स्किलिंग कैसे करें, उनको नए डिज़ाइन हम कैसे करें, उनको मार्केटिंग की सुविधा हम कैसे प्रदान करें, और उनके प्रोडक्ट्स दुनिया के अलग अलग कोने में पहुँचे उसके लिए क्या करें, तो इन सब पे काम किया जा रहा है। और तो आज जो यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट फेयर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट का फेयर है, यहाँ तो एक्सपोर्टर्स हैं ही हैं, उसके साथ में आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न जगहों से, खासकर उत्तर पूर्व है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ के बहुत सारे कारीगर खुद भी आए हैं, जो मतलब उनके लिए भी एक आई ओपनर होगा कि दुनिया हैंडीक्राफ्ट की कितनी बड़ी है और उस दुनिया में वो कैसे प्रवेश कर सकते हैं, वो अपने कला को और कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, तो इन सब में ये मेला सहायक होगा। तो आप थे केंद्रीय कपड़ा सचिव यूपी सिंह, जो सारी जानकारी शेयर कर रहे थे कि गवर्नमेंट का क्या रुख है आर्टिजन्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए किस तरह वो लोग सहायता कर रहे हैं। हमने बातचीत की ईपीसी, जो इस फेयर का आयोजक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट, उनके चेयरमैन श्री आर के मल्होत्रा से। तो सुनते हैं आर के मल्होत्रा को कि इस एग्जीबिशन के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। जो प्रदर्शक है, कितने प्रदर्शक आए हैं, क्या क्या उत्पाद वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसे है कि ये हमारा 54th एडिशन है और पैन इंडिया बेसिस पे लगभग 3000 एग्जीबिटर, जहाँ जहाँ हैंडीक्राफ्ट बनता है, मेरा पूरे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बनता है, जिसके अंदर तकरीबन 70 लाख आर्टिजन इन्वॉल्व हैं, जिनके प्रोडक्ट यहाँ लगाए जाते हैं। और ये एक B2B है, जिसके अंदर बायर तकरीबन 5 से 6 हज़ार बायर होल सेल में बाइंग करने के लिए आता है वर्ल्ड वाइड। हम लोग इसको पिछले 27 साल से कर रहे हैं और ये हमारा 54th एडिशन है। यहाँ हर चीज़ का ध्यान करके टाइम के अनुसार सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी, एनवायरनमेंट, इन सब को ध्यान रख के एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम लोग एग्जीबिशन करते हैं, जिसके अंदर हमारी लास्ट ईयर की टर्नओवर तकरीबन 33,000 करोड़ हमने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करा था इंडिया से बाहर। और हमें उम्मीद है कि सरकार जिस तरीके से हमारा हैंडीक्राफ्ट का और क्लस्टर का हमारे लोगों का साथ दे रही है, तो हम इसको आगे और काफ़ी आगे ले जाएंगे। ये जाके तकरीबन 50,000 करोड़ तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किस किस कैटेगरी में जो है यहाँ पे जो है उत्पाद है यहाँ पे? तो यहाँ हर प्रकार का हैंडीक्राफ्ट में, होम फर्निशिंग, टेक्सटाइल, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, फर्नीचर, फैशन एंड एक्सेसरीज, जो प्रोडक्ट भी इस तरीके के हैं, यहाँ हर एक प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्लेड है और उसके बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर यहाँ हैं। और हम वर्ल्ड के ऐसे ऐसे ब्रांड से काम करते हैं जो कई बार यहाँ आप समझते हैं कि बाहर का प्रोडक्ट है, बाहर से खरीद के लाते हैं, वो इंडिया से गया होता है, चाहे कोई भी हो, हर ब्रांड से यहाँ का एक्सपोर्टर उनको माल सप्लाई कर रहा है। थैंक यू।
ये थे आर के मल्होत्रा, ईपीसीएच के चेयरमैन। जो एग्जीबिटर्स आए हैं, जो यहाँ पे अपने उत्पादों के साथ यहाँ प्रदर्शन करने, अपने उत्पादों को बेचने आए हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी उम्मीद लगा रखी है। तो ऐसे ही हमने बातचीत की दिल्ली के एक एग्जीबिटर से, सुनते हैं। तो अभी कुछ ही देर पहले जो है हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन हुआ है और हम कुछ बात करते हैं एग्जीबिटर से, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या वो उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार के एग्जीबिशन से। जी मैम, आपका नाम कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, पल्लवी सुलफुले। मेरा ब्रांड है ईशावास्या। बेसिकली हम हैंडवर्क करते हैं, जो जरदोजी वर्क होता है, और क्राफ्ट्समैन एक एक पेंटिंग करने के लिए एक एक दो दो महीने बिताते हैं। अब दो साल बाद खुला है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे बायर्स वगैरह आए और कुछ अच्छे क्वांटिटी में कुछ ऑर्डर्स वगैरह मिले, इसकी उम्मीद है अभी, क्योंकि अच्छा रिस्पांस दिख रहा है। आज ही ओपन हुआ है तो काफ़ी बायर्स भी दिख रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस बार दो साल बाद जब खुला है तो अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से जहां एक्सपोर्टर्स हैं, एग्जीबिटर्स हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा ऑर्डर मिलेगा। वहीं एग्जीबिटर हैं, उन्होंने भी उम्मीद लगाए रखी है कि उन्हें यहां से अच्छा बिजनेस इस एग्जीबिशन के माध्यम से मिलेगा। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।